दोस्तों, क्या आपने एक ऐसे मोटे इंसान को देखा है जो अपने मोटापे की वजह से बेड से भी नहीं उठ पाता है? उसमें इतना वजन होता है कि वो अपने पैरों पर चल भी नहीं सकता। और गाइस, एक व्यक्ति का वेट तो उसकी 12 साल की उम्र में 200 से 300 किलो हो गया, और जब तक वो 20 साल का हुआ उस समय उसका वेट 600 किलो से भी ज्यादा हो गया। तो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए दुनिया के ऐसे ओवरवेटेड लोगों के बारे में बताऊंगा जो कि अपना इतना ज्यादा वेट होने की वजह से वो बेड से भी नहीं उठ पाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की इस वीडियो को, 5 मोस्ट ओवरवेटेड पीपल इन दी वर्ल्ड। नंबर 5, माइकल हेब्रॉन को। माइकल हेब्रॉन को गाइस, यह व्यक्ति दुनिया के मोस्ट ओवरवेटेड लोगों की लिस्ट में शामिल होने के बाद भी यह अपनी लाइफ में बहुत ही कूल रहे हैं। इन्होंने कभी चलना बंद नहीं किया और अपनी एक्सरसाइज को भी इन्होंने हमेशा कंटिन्यू रखा। आप इनकी बॉडी देखने के बाद इनके वेट का अंदाजा बिल्कुल भी नहीं लगा सकते। इनके चलने फिरने के तरीके को देखकर आप इनका वेट गैस ही नहीं कर पाएंगे। आप में से ज्यादातर लोग इनका वेट 200 से 300 किलो समझ रहे होंगे, लेकिन इनका वेट 499 किलो है। इनका जन्म न्यूयॉर्क में हुआ और इन्होंने दुनिया के सबसे भारी आदमी होने का रिकॉर्ड भी अपने नाम किया। इन्होंने अपने अंतिम समय में 256 किलो से 353 किलो तक वेट कम किया, लेकिन फिर भी इन्होंने अपनी बैड ईटिंग हैबिट की वजह से इन्होंने अपना वेट फिर से गेन कर लिया। लेकिन 2013 में इनकी डेथ के समय इनका वजन 249 किलो ही था। नंबर 4, ऑक्टेविया गाहगंस। ऑक्टेविया गाहगंस गाइस, जब ये अपनी मात्र 20 साल की उम्र की थी, तभी ये दुनिया की सबसे मोटे लोगों में से एक थी, और इनके 20 साल की उम्र में ही इनका वेट 226 किलो था। इनके जन्म के 3 साल के बाद ही इनकी मां का देहांत हो गया, और इनकी मां की मृत्यु के बाद इनके पिता ने दूसरी शादी कर ली, जिसके बाद ऑक्टेविया का अपना कोई ठिकाना नहीं रहा, और फिर ये अपने एक सगे रिश्तेदार के घर पर रहने लगे, जिसके बाद जैसे जैसे ये बड़ी होती गई वैसे वैसे इनका वेट और भी ज्यादा बढ़ता चला गया। जब ये अपनी एडल्ट एज में आई तब इनका वेट 317 किलो हो गया, जिसके बाद ये एक डॉक्टर से मिली जिन्होंने इनका वेट लूज करने के लिए इन्हें बहुत मोटिवेट किया, और फिर उसके बाद इन्होंने अपनी वेट लूज की जर्नी स्टार्ट कर दी, जिसके बाद ये मात्र 1 से 1.5 साल में ही अपना 200 किलो वेट लूज कर लेती है, और आज के समय में ये किसी मॉडल से कम नहीं है। नंबर 3, एशली डन ब्रैचर। एले ड्यून ब्रैचर, आप लोगों ने देखा होगा कि जिन लोगों का वेट बहुत ज्यादा होता है वो लोग अपनी लाइफ को एक नॉर्मल लाइफ की तरह नहीं जी पाते हैं, लेकिन एले अपना 328 किलो वेट होने के बाद भी अपने एक 5 साल के बच्चे के लिए एक एक नॉर्मल लाइफ जीने का ट्राई करती है। यह अपने बच्चे के साथ बाहर सुपरमार्केट से शॉपिंग करने के लिए भी जाती है और उसके साथ घर में खेलती भी है। यह एक 27 साल की माँ है और इनके बेटे का नाम पैट्रिक है, जो कि अपनी इतनी छोटी सी लाइफ में यह अपना ज्यादातर काम खुद ही करता है। लेकिन एले अपने बेटे के साथ हर समय नहीं रह सकते, क्योंकि एक समय के बाद इन्हें अपना वेट लूज करने के लिए हॉस्पिटलाइज्ड होना पड़ा, और फर्स्ट मंथ में ही इन्होंने अपना 55 किलो वेट लूज किया, जिसके बाद इन्होंने गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी से 204 किलो वेट कम किया। अब आज ये अपने बच्चे के साथ रहती भी है और उसके साथ बाहर घूमने भी जाती हैं। नंबर 2, पॉल जोनाथन मेसन। पॉल जोनाथन एक अंग्रेजी व्यक्ति हैं जिन्हें दुनिया का सबसे भारी व्यक्ति के रूप में जाना जाता है। इनका वेट 445 किलो था। 2020 के समय जब कोविड था तब इनका वेट और भी ज्यादा बढ़ता चला गया। इनका इतना हैवी वेट होने के बाद इनके वेट लूज करने की भी एक जर्नी है। इन्होंने अपना वेट लूज गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी से 295 किलो कम किया, और फिर इसके बाद इन्होंने अपनी एक्सरसाइज से भी अपनी बॉडी का बहुत सारा वेट कम किया। आज इनकी एज 64 साल है। नंबर 1, ड्रू स्टीवर्ट। गाय फाइनली अब बात करते हैं नंबर 1 के बारे में, जिसमें नंबर 1 पर है ड्रू स्टीवर्ट। गाइज, इनकी ओवरवेटेड बॉडी देखने में बहुत ही अलग दिखाई देती है, क्योंकि इनकी बॉडी का एक बड़ा हिस्सा नीचे लटक रहा होता है, लेकिन हमेशा से इनकी यह बॉडी ऐसी नहीं थी। ये अपने हाई स्कूल के समय में एक एथलीट थे और हाई स्कूल में ही इन्होंने अपनी एक फुटबॉल टीम भी बनाई, लेकिन इनकी लाइफ में एक ऐसा मोड़ आया जहां से इनकी लाइफ पूरी तरह से बदल गई। जब इनकी माँ की अचानक से तबीयत खराब होने की वजह से इन्हें अपने घर वापस अटलांटा आना पड़ा। अटलांटा आने से पहले इनकी टी शर्ट का साइज 6 गुना था, और फिर कुछ समय के बाद ही 8 गुना हो गया, और फिर 1 साल के बाद इनकी टी शर्ट का साइज 10 गुना हो गया। मतलब कि इनकी बॉडी में बहुत तेजी से फैट बढ़ने लगा,
और फिर एक समय के बाद इनकी टी शर्ट का साइज 18 गुना हो गया और इनका वेट 317 किलो इतना हैवी वेट होने के बाद भी ये अपनी माँ के लिए दवाइयाँ लाते हैं और उनके लिए खाना भी लाते हैं। वैसे गाइस आपका वजन कितना है? मुझे लगता है कि आपका वजन 50 किलो भी नहीं होगा और आपके सामने अगर इनमें से किसी भी ओवरवेटेड इंसान को खड़ा कर दिया जाए तो इन सबके सामने तो आप एक छोटे से बच्चे लगेंगे। तो गाइस आज के लिए वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।